बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से जो है ना कमेंट आ रहे थे कि सर्दियों में जो है ना कौन सी खुराक खिलानी चाहिए। अभी जो है ना सर्दियां सही से स्टार्ट नहीं, यानी कि दिन में जो है ना गर्मी होती है और शाम के टाइम में जो रात में ठंड होती है थोड़ी बहुत, तो दिन के टाइम थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर होता है, कभी गर्मी होती है कभी जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो अभी से जो है ना दाना का स्टार्ट कर दिया, तो रात के जो है ना थोड़ी जो है ना ठंड होने की वजह से तो दाना जो है ना सर्दियों का स्टार्ट कर दिया। सर्दियों के अंदर मैं क्या खुराक करता हूँ, बहुत से दोस्त जो है ना कमेंट कर रहे थे कि आप सर्दियों के अंदर जो है ना क्या खुराक खिलाते हैं। तो ये जो है ना ये है इनका दाना, जो मेन होता है वो होता है दाना होता है इनका। तो दाने के अंदर मैंने क्या क्या मिक्स करके दिया और क्या क्या ऐड किया, तो वो आप दोस्तों को मैं बता देता हूँ। तो बाकी जो है ना ग्रीन फ्रूट जो खिलाता हूँ और बाकी जो वेजिटेबल्स होते हैं वो मैं अलग खिलाता हूँ, और ये जो है ना ये जो दाना है वो ये, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से एक और वीडियो बना दूंगा ये जो है ना दाने के लिए। तो दाने के अंदर क्या क्या ऐड है, इसके अंदर जो है ना छः चीज़ें मिक्स की गई है। सबसे पहले जो है ना मोटा बाजरा है, उसके बाद जो है ना लाल चावल है, फिर तीसरे नंबर पर गंदम है, चौथे पे मकई है पीसी हुई, और पाँचवें पे जो है ना सरसों के बीज हैं, और छठे पे जो है ना इसमें ये सूरजमुखी के काले बीज हैं। तो ये छह चीज़ें ऐड है, तो ये इंशाल्लाह इनको खिलाऊंगा, कितने शौक से खाएंगे। और मकदार ही बता देता हूँ कि इसकी इनकी कितनी कितनी मकदार में लिए। तो सबसे पहले जो है इनको मुर्गों को डाल दें, और उसके बाद आपको इनकी जो है ना इसकी मकदार बताता हूँ कि किस किस मकदार से जो है ना मैंने ये इसमें दाना ऐड किया है, तो उस हिसाब से आप फिर बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मुर्गों को डालते हैं, तो मुर्गों दाना डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ के, बिस्मिल्लाह, तो देखिए कितने शौक से जो है ना दाना खाएंगे सारे मुर्गे। काफ़ी शौक से खाते हैं दाना, जो मिक्स दाना मैं बना कर देता हूँ अपने परिंदों को। तो इनको भी डाल देंगे, देखो तो इन सबको जो है दाना डाल दिए, इनको जो है ना खोल कर उनको भी जो है ना अंदर केज के अंदर डाल दें, दाना बाहर से जो है ना नहीं डाल दें, इनको केज के अंदर डाल दें। तो इसी तरीके से ये जो सारा दाना ये मैं इंशाल्लाह बर्ड्स को डाल दूँगा उधर भी और इधर भी। तो अभी जो है ना बहुत बेताब भी हो रहा है, सुबह का टाइम है, दाने का टाइम हो गया। तो देखिए माशाल्लाह से कितने जो है ना ये शौक से खा रहे हैं। तो सर्दियों के अंदर जो है ना मैं ये पूरा ये दाना चलाता हूँ, और इसी तरीके से मैं जो है ना दाना खिलाता हूँ बर्ड्स को। गर्मियों के अंदर जो है दाने को गीला करना पड़ता है, और उसके अंदर गर्मियों के अंदर जो है ना मैं सूरजमुखी के जो बीज हैं वो गर्म होते हैं, तो वो मैं ऐड नहीं करता। तो अब आप दोस्तों को बताता हूँ, इनको तो डाल दिए हैं, बाकी इनको भी कैच कर डाल देंगे। देखें तो खाने का मकसद है कि कितने शौक से भी ये खाते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने खुराक डाली और वो खुराक पड़ी थी और बर्ड्स शौक से खा ही ना आ रहा हो। तो माशाल्लाह देखिए सारे बिल्कुल जो है शौक से खा रहे हैं बर्ड्स, ये देखो। तो अब आपको इसकी मकदार बता दो कि मैंने कितनी कितनी मकदार में लिया है। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा दाना बनाता हूँ, कम से कम 40 किलो या 45 किलो जो है दाना बनता है, तो उस हिसाब से मैंने अपनी मकदार रखी। लेकिन मैं आपको एक ही किलो के हिसाब से बताता हूँ कि आपने कितना जो है ना फिर उसमें ऐड करना, बाकी आपने अगर ज़्यादा दाना लेना हो तो आपने उस हिसाब से आपने जो है ना मकदार फिर बढ़ा देनी है। तो लेना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर जो है ना बाजरा है, 1 किलो बाजरा ले लेना है, 1 किलो लाल चावल ले लेना है, आधा किलो पीसी हुई मकई ले लेनी है, और आधा किलो जो है ना गंदम ले लेनी है। बाजरा और लाल चावल 1 किलो, और बाकी जो मकई और गंदम आधा आधा किलो, बाकी इसमें सरसों के जो छोटे छोटे दाने होते हैं, बीच वाले दाने होते हैं जो सरसों होती है, वो आपने 25 ग्राम लेनी है, और जो इस काले बीज है ये सूरजमुखी ये आपने जो है ना ये 25 ग्राम लेनी है, सूरजमुखी और वो जो है ना सरसों 25-25 ग्राम जो है ना इसमें ऐड करना है 1 किलो दाने के अंदर। फिर उस हिसाब से आप जो है ना मकदार बढ़ाते रहेंगे, जैसे अगर बाजरा 2 किलो कर दिया है और लाल चावल भी 2 किलो करने होंगे, फिर और मकई और गंदम को भी आधा आधा किलो जो है 1 किलो करना होगा, और उसी तरीके सरसों और सूरजमुखी के बीज को भी जो है ना फिर आप 50-50 ग्राम कर देंगे। तो इस हिसाब से आप दाना बनाएंगे, तो जितना आप दाना बनाएंगे उतनी क्वान्टिटी जो है ना उसकी ज़्यादा मकदार ज़्यादा करते हैं। तो ये जो है दाना जो है ना इसको मैं ऐसे ही खिलाता हूँ, गीला नहीं करता, गीला जो है ना सर्दियों में की जाता है, गर्मियों में की जाता है, सर्दियों में जो है ना बिल्कुल सूखा इस तरीके से दाना खिलाया जाता है ताकि ये खुशक रहे और अंदर से गर्म है, क्योंकि दाना ये जो है ना गर्म है। तो इंशाल्लाह ऐसा दाना खिलाएंगे तो अंदर से जो है ना परिंदे गर्म रहेंगे और नज़ले रेशे वगैरह मसले मसाइल जो है ना इंशाल्लाह पैदा नहीं होंगे। खुराक जब गर्म होगी तो अंदर से भी जो है ना बर्ड्स गर्म रहेगा।
तो अब सारों को जो है ना, इनको तो मैंने आप तो दोस्तों के सामने डाला किस तरह खा रहे हैं, तो इनको भी इसी तरीके से जो है ना इंशाल्लाह डालेंगे, और उनको भी वहाँ पर भी उसी तरीके से डालेंगे, तो जो बाकी दाना बचा हुआ है। और पानी का जो है ना, पानी में भी इनको डाल देता हूँ, और बाकी शाम में भी दोपहर में भी आके इनको पानी चेंज करता हूँ, और शाम के अंदर जो है ना मैं सारा पानी इनसे हटा दें, क्योंकि रात को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है, तो उस वजह से पानी पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, तो रात को पानी उठाना होता है। तो ये जो है ना सर्दियों की डाइट बता रहा हूँ, क्योंकि कमेंट बहुत आ रहे थे कि सर्दियों की डाइट बताएं, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली है, थोड़ी बहुत आ भी चुकी है, किसी किसी इलाकों में सर्दियाँ भी आ चुकी है, तो मैंने पहले से ये जो है ना डाइट बता दी अब दोस्तों कि आपने ये डाइट प्लान जो है ना चलाना है। तो ये तो दाने की हो गई और पानी की बात रही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि कौन सा ग्रीन फ्रूट खिलाना होता है, वेजिटेबल कौन से खिलाने होते हैं गर्मी सर्दियों के अंदर, तो इंशाल्लाह इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। अगर वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। दुआ में याद रखना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।